सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है ऋषि जायसवाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड्स ओरिजिन पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिस फिल्म को मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है, सिर्फ 10 या 5 मिनट हुए मैंने उस फिल्म को देख कर आया हूँ मैं जस्टली इधर। उस फिल्म का नाम है जुदा होके भी, मीन्स एक हॉरर फिल्म है और विक्रम भट्ट की है। तो सोच ही सकते हो कि फिल्म जाना कितना इम्पोर्टेंट था वो फिल्म के लिए। मैं बहुत टाइम से वेट ही कर रहा था कोई अच्छी हॉरर फिल्म आए, तो इट्स अ गुड चॉइस, यू नो। मेरे हिसाब से तो ये एक गुड चॉइस था, मैंने इस फिल्म को चुना, जाकर देखा मैंने तो ओके तो लगी, क्योंकि दोनों भी हाफ उस फिल्म के ओके थे। और हाँ, इस वीडियो में ना कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे, मैं क्योंकि स्टोरी के बारे में कुछ रिवील नहीं करूँगा। हर वीडियो में कहता हूँ, जाके खुद देखो फिल्म, पता चलेगा कि फिल्म अच्छी है या नहीं। और मैं तो सच, मैं क्या कभी कोई फिल्म के बारे में झूठ नहीं बोलता हूँ, फिल्म अच्छी है। अगर आप लोग ने क्या इस फिल्म को कोई हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करके जा रहे हो, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ मत जाओ, तुम्हारे लिए बनी नहीं है कोई बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बना नहीं सकता हॉलीवुड जैसी, मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसे तो बनाने दो, एक बार जाके देखने में क्या जाता है, एंटरटेन करेंगी नहीं करेंगी वो उसके जगह पे। लेकिन इस फिल्म ने एंटरटेन किया और स्टोरी के मामले में फिल्म बहुत ही बेस्ट थी, ठीक है। एक अच्छी लव स्टोरी क्या चाहिए, लव स्टोरी चाहिए और हॉरर सीन चाहिए, वो सब कुछ इस फिल्म ने दिया है, लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन करके। और शायद लास्ट वाला जो सीन था वो क्रिएचर वाला, अगर वो ना दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। अब आप लोगों की ओपिनियन क्या है मुझे बताना, ये फिल्म ठीक थी या एवरेज। मेरे को तो एवरेज लगी फिल्म, तो इस फिल्म को मैं दूंगा 2 out of 5 star, 2.5, ओके सॉरी 2.5 out of 5 star, ओके ठीक है, मेरे को ओके लगी फिल्म। क्योंकि इतने टाइम के बाद कोई विक्रम भट्ट की फिल्म आई है तो मिस थोड़ी ना कर सकता था। और फर्स्ट हॉरर फिल्म, मतलब मैंने उनकी हर एक फिल्म देख रखी है यार, राज वगैरह कौन नहीं देखते, राज पहली फिल्म थी यार जब मैं इतना कभी बहुत छोटा था और उस टाइम पे हम लोग डर जाते थे वो फिल्म देख कर। इट्स अ बेस्ट मूवी। अब विक्रम भट्ट थोड़ा समझ रहे हो ना कि टाइम से सब कुछ हो जाता है, लेकिन अब उनके घर में भी कोई तो भी बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर में उनकी एक और की बेटी है या कृष्णा भट्ट कोई तो भी है, जो एक न्यू फिल्म लेकर आ रही है 1920 की सीरीज की, जिसका नाम होगा इविल हार्ट, 1920 इविल हार्ट। वो भी शायद फ्यूचर में रिलीज होगी 2023 या 24 में, देखेंगे वो भी। विक्रम भट्ट खानदान की है तो देखना पड़ेगा यार, भट्ट की है तो देखेंगे ही हम लोग, क्यों नहीं देखेंगे फिल्म को, क्योंकि विक्रम भट्ट से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और लगता है कि हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश कर रहा है वो, करने दो उसे, देखेंगे बात का बात की क्या होता है, उसकी कोशिश लोग पसंद करते हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ये फिल्म कैसी लगी, और या किसी ने देख ली है या देखने वाले हो तो जाके देखो। अभी वैसे भी 9 बजे का है शो, या टाइम हो चुका है पता नहीं, फिर जाके जल्दी टिकट बुक करो और देख के आओ फिल्म, और बताना मेरे को कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे वैसे भी रहता ही हूँ मैं, और ऑनलाइन जाकर मेरे को मैसेज कर देना, अगर अच्छी लगी तो अच्छी बोलना, अगर बुरी लगी तो बुरी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर इस वीडियो से कोई भी शिकायत होंगी ना आप लोगों को, कमेंट्स के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे शिकायत अपनी लिख के भेज दो, उसके बाद वो नहीं करूँगा मैं। चलो बाय।